हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मेरा नाम है आरजी राज। आप देख रहे हैं 1676 एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। रियली वांट टू थैंक पारिक ब्रदर ज्वेलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात विमेन ऑफ द ईयर इन एसोसिएशन विद द पहनावा बुटीक। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू मैम्पी रिजबल डाइपर्स फॉर चिल्ड्रेन, लिव फिट विद पूजा शेलके, एंड कांट फॉरगेट टू थैंक स्टाइलक्स, वेरी फेमस फॉर किचन्स एंड वार्डरोब्स। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू यू हु वॉच माई शो, लाइक माई शो, शेयर माई शो, एंड अरुण ऑटोमोबाइल्स। अगर आप एक मारुति सुजुकी की कार खरीदना चाहते हैं, सो अलॉट ऑफ मॉनसून ऑफर्स आर रनिंग एट अरुण ऑटोमोबाइल्स। मेरी आज की जो मेहमान है, शी इज अ होम बेकर, शी इज एन इवेंट मैनेजर, शी इज इवेंट प्लानर, शी इज इनटू बेकिंग, शी इज इनटू कुकिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी हैज अ स्माइल विच कैन मेक यू फील हैप्पी। प्लीज वेलकम माई गेस्ट टूडे, द यंग, द एनर्जेटिक, एंड समबडी टू लुक अपॉन, पीहू राजमलानी। हाय पीहू। Hi everyone. How are you, Pihu? Amazing. So I should not say I'm speaking to Pihu Rajmalani. I should say I'm speaking to Chef Pihu Rajmalani. Means a lot. Means a lot. Super. And you've done a lot for, to become one. Yeah. Yes. So since childhood, I mean, just want to know, what is Pihu's story? Pihu's story are very short form. Like I had one of my very special one. Mm. That's why I started cooking, because he was not able to have bahar ka food. Mm-hmm. Then I started making Chinese, and that's why it's my favorite food again. Mm-hmm. So meri story wahan se start hui. Cooking karte karte itna passion aane laga. Papa ko bahar ka food allowed nahi tha aur unke pasand bhi nahi tha. Then I came into this field and maine unke liye kaafi sare experiment kiye. Now I'm proud to say a story again. मेरे पापा मेरे साथ बाहर डिनर पे गए थे दी के बर्थडे पे, तो वहाँ पे वो ब्रांड को बोल के आए थे मेरी बेटी से खाना बनाना सीखो, वो आपसे अच्छा खाना बनाती है। क्या बात है। सो दैट वाज अ प्राउड पार्ट ऑफ माय स्टोरी। बट देन वेयर इज पीहू फ्रॉम, ये जो जर्नी है कहाँ से शुरू होती है? हाँ, ये जर्नी मेरी स्कूल लाइफ से शुरू होती है। स्कूल नहीं, ये लाइफ जरी पटका से शुरू होती है। यू आर अ प्राउड जरी पटकियन। यस आई एम। प्लीज टेल मी। सो जरी पटका इज समथिंग जहाँ से मेरे यहाँ पे मॉर्निंग में गरम गरम दाल पकवान आया करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर दोस डेज। एवरी सैटरडे संडे मेरी डिमांड हुआ करती थी, और मॉर्निंग स्कूल पर्सन थी मैं। जरी पटका में मेरा स्कूल था। सो स्कूल में गाइड कैंप्स होते थे, वहाँ पे कुकिंग पैशन आया। पैशन में रियलाइज हुआ कि आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स इनटू दिस। सो पीहू राजमलानी एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड एंड प्रीवियस वर्जन वाज पूर्णिमा राजमलानी। मुझे जानने के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पूर्णिमा राजमलानी के नाम से जानते हैं। पीहू बिकेम अनदर वर्जन ऑफ पूर्णिमा राजमलानी, अ पी राजमलानी, मिस पी राजमलानी। सो यस, आई एम अ वेरी प्राउड ऑन दिस पार्ट की मेरी कुकिंग जर्नी काफी हसल से स्टार्ट हुई। आई वॉज नॉट हैविंग अ बेकिंग इक्विपमेंट्स एंड ऑल। मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट टर्निंग टेबल मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाया था मेरे लिए, एंड मेरा फर्स्ट केक वॉज स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द मार्केट स्टफ। मैं व्हिपिंग क्रीम लेके आई थी, इट वॉज सार। मैंने केक डेकोरेट कर लिया, टेस्ट नहीं किया था अनफॉर्चुनेटली। आई वाज क्राइंग कि इसके बाद मैं बेकिंग नहीं करने वाली हूँ। केक स्पॉन्ज वाज परफेक्ट एज एक्चुअली जैसे रेसिपी आनी चाहिए थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन पापा ने मुझे देखा एंड ही गॉन इन टू द किचन एंड उन्होंने सारी क्रीम रिमूव की। ही हैड द होल केक एंड ही टोल्ड मी ही इज प्राउड ऑन माई सेल्फ, एंड देन ही गिफ्टेड मी ऑल लॉट ऑफ बेकिंग इक्विपमेंट्स जो मेरे पास आज भी है। ये देखिए, जो कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, है ना? पर कुछ लोगों का जीवन खाने से चलता है। तो ये हुआ क्या, मतलब सिर्फ क्या एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, आई एम आस्किंग यू अगेन, क्या इंसिडेंट हुआ कि यू थॉट यू टू बिकम अ शेफ? गुड क्वेश्चन। मेरी जो ऑल माय क्वेश्चंस विल बी गुड, आई नो, है ना? आई एम विद अ गुड रायजित ऑफ कोर्स। यस प्लीज टेल मी। सो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि आई वाज वेरी कंफ्यूज टिल टू द एंड ऑफ माय 12th कि करना क्या है। स्टार्टिंग से मेरे को मास्टर शेफ का बहुत क्रेज था। 10th बोर्ड्स में मैंने जूनियर मास्टर शेफ क्रैक किया था, इंटरव्यू कॉल था, बट अगेन नहीं था फैमिली से अलाउड कि जाना है इंटरव्यू देना, ये सब बाद में होता रहेगा अगेन। तो वो चीज हुई, उसके बाद में फूड से तो बहुत प्यार था। एज आई टोल्ड यू कि मैंने मेरे पहले प्यार के लिए फूड बनाना स्टार्ट किया था, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर वो अटैचमेंट कंटिन्यू चला, मास्टर शेफ का ड्रीम था। अभी भी मैंने 4 राउंड्स क्लियर किए हैं सीजन 7 के। सीजन 8 के लिए मैं प्रिपेयर हो रही हूँ। तो यहाँ पे जर्नी मेजर टर्न लिया कि मैं HM करना चाहती थी। इंटरव्यू मैंने नागपुर में तुली में इंटरव्यू हुआ था IIHM का।
एडेड टॉप लिस्ट में थी मैं. अगेन सीट बुकिंग फीस वॉज 50,000. फाइनेंशियल क्राइसिस, नहीं कर पाई. जयपुर प्लेसमेंट हुआ था, पुणे के लिए ओपनिंग थी, नहीं कर पाई. एंड पांच फॉर्म मैंने क्रैक फाड़ दिए थे कि मुझे बीए में एडमिशन नहीं लेना है. एंड चार साल लगा दिए बीए क्लियर करने में. तो वो जो शेफ की जर्नी थी, मैं चाहती मेरी प्रोफेशनल एजुकेशन से स्टार्ट हो, फाइनेंशियल इश्यूज रहे, तो नहीं कर पाई. देन आई डिसाइडेड टू बिकम माई ओन सेल्फ, कि मैं खुद से लर्न करूंगी. सेल्फ लर्निंग, यस. आई एम अ वेरी क्विक लर्नर. मैं काफी चीजें इन्वेंट कर चुकी हूँ अभी तक. एंड काफी रेसिपीज हैं जो मैं खुद इन्वेंट कर चुकी हूँ, और कई शेफ्स ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है उस पे. फिर ब्रांड्स में आई, मैं धीरे धीरे ब्रांड्स को जाना, कॉन्टेस्ट क्या होते हैं, ऑनलाइन फूड कॉन्टेस्ट क्या है, ग्रुप्स क्या है, एंड इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया. देन आई बिकेम अ प्रोफेशनल शेफ इन 2021 व्हेन आई वोन द अवार्ड ऑफ इंडियाज टॉप 10 शेफ. सो दिस वॉज अ मेजर पार्ट ऑफ जर्नी. जो इंडियाज टॉप 10 शेफ वाला जो था ये कॉम्पिटिशन, ये क्या था एंड हाउ डिड यू अचीव इट? ओके, तो ये ऑनलाइन कॉन्टेस्ट था जिसमें करीब करीब 67 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. 67-68 लोगों ने शॉर्टलिस्ट हुए थे जो लोग. ये ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट था जिसमें हमें वीडियो सबमिट करने थे ऑफ कुकिंग. मैंने उसमें मैक्सिकन राइस बनाए थे विद द एक्चुअल वाइन फ्लेवर, एंड रोस्टेड कैप्सिकम था जो मेरा सर्विंग प्लेटर बना था, एंड उसके साथ में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ रायता बनाया था. दिस वाज द विनिंग डिश जो मेरी बनी थी. और टॉप 10 में ऑल वाज अ टॉप 10, उसमें से किसी को भी शॉर्टलिस्ट नहीं किया था फर्स्ट सेकेंड क्राइटेरिया में. एंड ये ऑल ऑफ इंडिया में हुआ था, कई सारे सिटीज से पार्टिसिपेशन आए थे. इवन गुजरात के न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई थी मेरी. तो दिल्ली से शेफ है, शेफ राजेश, उन्होंने ये कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया था. तो ये कॉन्टेस्ट वहां पे मैंने आई थिंक आई इन्वेस्टेड माई 1.5 months. पहले मैंने अपने आप को ट्रेन किया, देन आई केम, शेफ से कॉन्टेक्ट किया, एंड फिर ये कॉन्टेस्ट में जो पार्टिसिपेट किया, सरप्राइजिंगली इसकी कोई फीस नहीं थी. तो वो एक अचीवमेंट था कि फ्री में मैं अगर अचीव कर सकती हूँ तो आई शुड कलेक्ट एवरी नॉलेज बेसिकली. तो नॉलेज फोकस पे गई थी. वो फर्स्ट वीडियो मैंने विन जरूर किया था, बट दैट वाज अ फर्स्ट वीडियो जो मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगा था मेरा. इट वाज नॉट बिकॉज क्या हुआ था, किचन उतना सेट नहीं था मेरा उस टाइम पे. आई वाज जस्ट पैशनेट कि मुझे सर्व करना है, तो कुकिंग कर लिया एवरीथिंग. फिर उसमें कुछ मेजर मिस्टेक्स भी आई, जो मॉनिटर्स थे उन्होंने समझाया भी कि ग्लोव्स होने चाहिए, हेयर्स पैक होने चाहिए, बहुत सारे पर्पस उन्होंने समझाया. एंड स्टिल आई शॉर्टलिस्टेड माई सेल्फ विद माई हसल एंड आई वोन दैट अवार्ड. सो ये पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़ा लेट हो गया मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना, कॉन्ग्रेचुलेशन. बट देन ये जो यू नो, मैं ऐसे फूड ब्लॉगर्स को जानता हूँ है ना, जिनको फूड का एफ भी नहीं समझता है ना, उनको शायद चाय बनानी भी नहीं आती होगी लाइफ में है ना, पर वो फूड ब्लॉगिंग करते हैं. और आपको बता दें कि कहाँ का पनीर बटर मसाला खाना चाहिए, कहाँ का बटर चिकन खाना चाहिए है ना. दे आर डूइंग द जॉब, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट जॉब, बट द क्वेश्चन इज दैट यू नो, फूड एक फूडी ही फूड को जब यू नो, फूडिज्म एक अपने आप में एक रिलीजन है. फूड इज अ रिलीजन ऑल टूगेदर. यू हैव टू लव फूड, you know, you have to be for the food, you have to wear the food, and everything you have to do everything which is related to food. Very so true. When you thought of becoming a, you know, from a chef, when you think of coming up with a cloud kitchen, when you think of becoming a home baker, when you start thinking about getting into events, ye journeys kahan se aayi? ओके, ये जर्नीज एक्चुअली ऐसे हैं कि मैंने पहले जब मैं कॉलेज में नहीं जाना चाहती थी, मैंने जर्नी वो शेयर की प्रीवियस वन में, मैं कॉलेज में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती थी, मैं कॉलेज जाना छोड़ दिया था. बट जब मैं फॉर्म फिल करने गई थी, देन एट दैट टाइम आई फाउंड वन ऑफ माय फ्रेंड, जिसकी वॉइस सुनकर आई डिसाइडेड कि चलो कोई रीजन मिल गया मुझे कॉलेज जाना है. देन ही हेल्प मी इन टू द लॉट ऑफ प्रोफेशनल. आवाज से इम्प्रेस हो जाती है आप? नहीं, मुझे मेरे और भी फैक्टर्स होते हैं, एक्चुअली एक होता है ना, एक वाइब कनेक्ट होती है आपकी. शायद पर्सन को आप देखना नहीं देखना मैटर नहीं करता. जैसे मेनी पीपल आर ऑनलाइन जो मुझे फॉलो करते हैं, दे कॉल मी टू अप्रिशिएट मी, तो ये वाइब्स कनेक्ट होती हैं. बिल्कुल सेम चीज उन पर्सन के साथ हुई थी. वो प्रोफेशनली वीडियोग्राफर है अभी. तो मेरे प्रोफेशनली मैंने जो हैंडक्राफ्टेड चीजें बनाई थी, अब कुछ तो करना था. ये हमेशा से था कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स बनना है. इंजीनियर नहीं बनूंगी अगर अच्छे लेवल पे नहीं बन सकती, डॉक्टर तो मैं बन नहीं सकती क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, बिलीव मी. चलिए, आप मेरी जैसी हैं जी. यस, तो ये काफी सारे फैक्टर्स थे जो मुझे कुछ बनना नहीं था. एंड हमेशा से ये था कि फैमिली को ये प्रूव करना है कि आई कैन डू समथिंग डिफरेंट, क्योंकि 12th तक तो डिसाइड नहीं था. देन बिजनेस वाज द वन जो मुझे करना था. आई वाज वेरी पैशनेट बिकॉज मैंने फर्स्ट जॉब मेरी 2014 में स्टार्ट की थी, व्हेन आई वाज इन नाइन्थ एंड हुआ था, आई डिसाइडेड टू डू द जॉब.
सो मेरी फर्स्ट सैलरी वॉज 1500। आर्ट्स फील्ड में थी, मैं आर्ट टीचर थी। देन मेरे फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया, आई केम इनटू द क्राफ्टिंग, हैंडमेड गिफ्ट्स मैंने काफी सारे बनाए, उसने प्रोफेशनली वीडियो शूट किए, अपलोड करवाए, पेज बना, सारी चीज हुई। फिर वहां से प्रोफेशनली मैंने बिजनेस को अंडरस्टैंड करना सीखा, फिर आई वॉज गुड इन टू द बेकिंग, तो चॉकलेट्स, होममेड चॉकलेट्स जो दिवाली पे मेरी स्पेशली और होली पे स्पेशली जाती हैं, आई मेक वाइन चॉकलेट्स एंड रम चॉकलेट्स ऑल्सो, तो ये कुछ फेस्टिवल पे वो जाना स्टार्ट हुआ, लोगों से अप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हुआ। फिर मेरा फर्स्ट ओटीजी आया मेरी लाइफ में, एंड वो भी मेरी मेंटर है डॉक्टर शुभा मिश्रा, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। आई एम प्राउड टू से शी इज द वन जिनके कारण मेरी जर्नी अभी सक्सेसफुली चल रही है। सो दिस वॉज अ पार्ट जो मेरी कुकिंग को मैंने फ्रंट में लाया। फिर मैनेजमेंट में आई वॉज वेरी गुड, कॉलेज में और स्कूल में कभी इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला ये सब चीजों पर फोकस करने का, रियलाइज करने का कि लीडरशिप होती क्या है। कॉलेज में आई स्टार्टेड एनएसएस की लीडर थी मैं, फर्स्ट ईयर में हम दोनों को अवार्ड मिला था, जो पर्सन थे और मैं, हम दोनों को साथ में बेस्ट कैडेट अवार्ड मिला। सेकेंड ईयर में आई वॉन मेनी डिबेट्स, मैंने कॉलेज रिप्रेजेंट किया नेशनल लेवल तक, एंड काफी सारे वहां पे इतने सारे सर्कमस्टांसेस हुए, इतने सारे अवार्ड्स विन किए, एंड देन आई रियलाइज कि ये वर्ल्ड वो है जो मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था। एंड फिर वहां से अचीवमेंट का जो लेवल स्टार्ट हुआ, बेसिकली आई कैन से कि लास्ट 5 years में आई डिड सो मेनी थिंग्स, एंड उन सब ने मुझे ये फील्ड में लेकर आया। ये जब आप अपना खुद का जब किचन शुरू करते हो, तो इनिशियल डेज में तो यू गेट सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, है ना? इनिशियल डेज में आपको सपोर्ट करते हैं कि चलो घर का ऑर्डर देना ही था कहीं पे, तो चलो पीहू को दे दें। फ्रेंड्स सोचते हैं कहीं ना कहीं से तो केक लेना ही है ना, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो चलो पीहू से ले लें। बट उसके बाद का जो वो जो रफ टाइम आता है, वो स्ट्रगल टाइम आता है, वो उसके अंदर में हाउ डिड यू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स? यस, सो मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग से आई वाज एक्सप्लोरर, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बहुत जल्दी लोगों से कनेक्टेड हो जाती हूँ। सो पहले ऐसा था कि मेरी जर्नी में मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ पे जाके रुकना है एक्चुअली। मैंने जस्ट स्टार्ट किया था, आई नो कि मुझे सिर्फ स्टार्ट करना है। उस टाइम में मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं थी, मेरे ब्रांडिंग डिजाइन नहीं था, आई वॉज जस्ट लाइक पीआर क्रिएशन का जो मैंने खुद डिजाइन किया था, इट वॉज ऑन टू द मार्केट, एंड फिर फर्स्ट वेडिंग विजिटिंग कार्ड्स बने, एंड डिसाइडेड टू विजिट पीपल। मैंने फिर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, जहां पे मेरी सेकेंड जॉब थी, इट हेल्प मी अलॉट, बिकॉज सेकेंड जॉब जो थी वो मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट में ही थी। मैं टीचर थी एचके डांस एंड आर्ट स्टूडियो में, वहां पे हनी सर थे, उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इवेंट मैंने उनके कारण एक्सप्लोर किए, इवेंट्स एक्सप्लोर किए, एग्जीबिशन एक्सप्लोर की, एग्जीबिशन से सारे कस्टमर्स मिलना स्टार्ट हुए, एंड वो कस्टमर्स जो थे वो आज भी कनेक्टेड है। आज भी मैं 4 साल से क्लाइंट है मेरे, कैरेटलीन के क्लाइंट है, जिनको मैं चॉकलेट बॉक्सेस एंड केक्स वगैरह सर्व करती हूँ। एंड ऐसे ही फिर मैंने धीरे धीरे एक्सप्लोर किया, मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की, मैंने खुद को अपना एक ब्रांड बनाया। पीहू राजलानी एक ब्रांड है आज की तारीख में, जो खुद को रिप्रेजेंट करती है कई सारी ब्रांड्स के अंडर में। सो ऐसी काफी सारी चीजें जो मैंने सोशली एक्टिविटीज करती गई, वो कहते हैं ना कि आपको जब तक फाइनल गोल नहीं मिलता तब तक ट्रायल एंड एरर करने चाहिए, तो बस वो ट्रायल एंड एरर्स ने मुझे कई न्यू क्लाइंट्स भी दिए, इवेंट के प्रमोशंस किए, इवेंट्स में डेकोरेशन करना स्टार्ट किया। बेकिंग की फील्ड में आई डिसाइडेड टू बेक लॉट ऑफ थिंग्स, पहले मैंने शुगर फ्री केक से स्टार्ट किए, एंड दोज आर माई प्रो वन जो मैं आज भी सर्व करती हूँ। तो दिस वॉज द मेजर पार्ट ऑफ जर्नी जो मैंने ट्रायल एंड एरर्स किया, और मैंने हर फील्ड एक्सप्लोर किया। मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक पेंटर भी हूँ, मैं रेजिन आर्टिस्ट आर्ट भी करती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट आर्ट मेंटर भी हूँ। मैंने मतलब ऑलमोस्ट एक्सप्लोर किया है वर्ल्ड, अभी बहुत सारा करना है। वो कहते हैं ना, आप सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो बस बहुत कुछ का कुछ हिस्सा मैंने कर लिया है। रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया है? यस। क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस वॉज वेरी अमेजिंग। वो कहते हैं ना कि आप अपना मतलब प्यार में ना एक शिद्दत होती है, आप अपनी तरफ से निभा लो, बाकी जो होना है वो हो गई ही। तो क्या हुआ फिर? वी ब्रोक अप इन 2018 एंड And it was not a good one end, जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ था। मैं हमेशा से मुझे पता था कि हमारा फाइनली कभी भी एक होना लिखा नहीं है, ये मैं जानती थी क्योंकि वो फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। सो फिर रिलेशनशिप 2008 में जो नहीं चाहती थी, अच्छा क्लोजर चाहती थी मैं हमेशा से, बहुत सारे ड्रीम्स थे जो उनके साथ एक्सप्लोर करने थे, बट वो क्लोजर नहीं हुआ, कुछ नेक्स्ट लेवल हुआ जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। देन आई कम आउट विद दैट, लाइक आज भी 4 साल हो गए, बट आई प्राउड टू से आई स्टिल लव हिम, एंड मेरी लाइफ का वो बहुत प्रीशियस पार्ट रहा। आई थिंक इट वॉज लाइक 10 to 12 years का रिलेशन, सो दैट वॉज अमेजिंग जर्नी ऑफ माई लाइफ। तो मैंने लाइफ से इतना ही सीखा, अपनी तरफ से कम्प्लीटली एफर्ट दे दो, ताकि कभी तुम्हें ये रियलाइज नहीं हो कि तुम कहाँ कम थे। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। यस। पर रुक गया सब कुछ अभी?
नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है. आई एम प्राउड. जो भी चल रहा है पर्सनल फ्रेंड पे तो कुछ नहीं चल रहा ना. नहीं नहीं नहीं, आई एम टोटली सिंगल बट बुक्ड विद माई सेल्फ. आई एम बुक्ड विद माई सेल्फ एंड आई एम रियली हैप्पी. जो मेरी जर्नी चल रही है, आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल्स टू डू नाउ. और ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये लड़के के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि यू नो आई वांट टू बी सिंगल, आई एम हैप्पी सिंगल, यू नो हैविंग अ सलमान खान लाइफ या और अ राहुल गांधी लाइफ, यू नो व्हाटएवर यू से. बट फॉर अ गर्ल, आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग, आई एम नॉट जजिंग यू हियर, आई जस्ट जनरली यू नो वुड लाइक टू नो, इज इट दैट आल्सो इजी फॉर अ गर्ल टू बी सिंगल? अ बिग नो, बिकॉज़ क्या होता है, मैं अभी फैमिली से अलग रह रही हूँ. मेरे पापा मुझे एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहती. अब वो इंट्रोड्यूस करते हैं या कोई पूछता है ना कि इनकी शादी कब करवा रहे हो, तो पापा बोलते हैं कि इसे शादी नहीं करनी, ये ऐसे ही रहेगी. तो ये जो सपोर्ट है ना मेरे पापा के थ्रू स्टार्ट हुआ. मैं आज भी घर से बाहर रहती हूँ, मैं नाइट में वर्क करती हूँ, नाइट इवेंट्स करती हूँ, सारी चीजें करती हूँ, बट मेरे पापा का एक ट्रस्ट है मेरे ऊपर जो मैं अभी तक बैलेंस करती आई हूँ. बराबर. एंड रिलेशनशिप के बारे में बोलूँ तो इट्स वे टफ. आप हर दिन एक नई चीज में जाते हो, आप हर दिन एक नया फील्ड एक्सप्लोर करते हो, एक न्यू पर्सन से मिलते हो, फीलिंग्स जनरेट होती है. बट अगेन आपकी जो स्ट्रगल स्टोरी है ना और जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, मेरी लाइफ में जब वो थे तब भी ना कोई आया, ना मैंने किसी को लाया, और जब वो गए तब भी मेरे को कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि मुझे कभी रिलेशनशिप में रहना चाहिए. कैजुअल्स आर ओके, आई एम वेरी ऑनेस्ट कि कैजुअल्स आर ओके इन टू द लाइफ. बीइंग गर्ल सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये बहुत टफ है रहना, बट अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली यू कैन. मैं शायद गर्ल्स की लाइफ का एक यू नो सिंगल सलमान खान बन सकती हूँ, तो आई वॉन्ट टू बी दैट. बट देन मैं 90s में पैदा हुआ था, तो हम जब हमारा दिल टूटता था तब हम यू नो कुमार सानू के गाने सुनते थे और यू नो वी यूज टू वीप, यूज टू क्राई. आई एम जस्ट टेलिंग माय सेल्फ हियर. बट देन आजकल के गानों में कहाँ दर्द है, तो व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील बैड, व्हेन यू मिस हिम, व्हाट डू यू डू? मैं अकेले रहती हूँ, मेरा एक की पॉइंट है. मेरे को पहले ये ना चीज बहुत बुरी लगती थी कि मैं अकेले रहती हूँ, बट देन इट वॉज अ माइंड डिसीजन ना. तो अब मैं मिडनाइट लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ. मैं कॉकटेल्स लवर हूँ, तो मैं कॉकटेल एक्सपेरिमेंट करती हूँ. जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ मैं बेकिंग करती हूँ. दीज आर द पेंटिंग्स जो मैं पेंटिंग्स करती हूँ. मेरे को जब भी फ्रस्ट्रेटेड फील होता है मैं पेंटिंग्स करती हूँ. इफ आई एम क्राइंग आई स्टिल डू दैट क्राइंग पेंटिंग, बट आई लव कि वो मेरा इमोशन पेपर पे आ रहा है. मैं शायरा हूँ तो मैं लिखती भी हूँ, तो उनके लिए मैंने एक लिखा था कुछ. अरे सुनाई सुनाई बिल्कुल. काश बनाने वाले ने मेरे दिल हजारों बनाए होते, काश बनाने वाले ने मेरे दिल हजारों बनाए होते, मेरी मोहब्बत ना से उनके शौक तो पूरे हो गए होते. क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया. सो दिस वाज द लव पार्ट वाली जर्नी. बट देन आई एम लविंग योर लाइफ. I'm actually loving your life because यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि apart from not having a person in life, there is everything. There is this freedom which you are having great fun, है ना? But घर से कभी call नहीं आता, बेटा आजा. आता है, घर पे आता है, कई बार लड़ाई भी होती है, मुझे नहीं जाना होता. पापा अभी जस्ट इंटरव्यू के पहले पापा टिफिन लेके आए. घर से ही खाना आता है, घर से मैं कनेक्टेड हूँ, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ. बट ये जो फ्रीडम है ना, मैं वो लूज नहीं करना चाहती. ये जो मैंने किया इंडिविजुअलिटी है जो जो मेरी खुद की पर्सनालिटी. आज पीहू राजनानी के पापा जा रहे हैं, लोग ये बोलते हैं पापा की बेटी जा रही है, वो नहीं बोलते. वो जो अचीवमेंट है ना, वो मुझे शायद पैन वर्ल्ड वाइडली उसको कन्वर्ट करना है कि पीपल शुड नो माय डैड प्राउडली कि हाँ एक पीहू राजनानी के शेफ के पापा जा रहे हैं. तो वो एक प्राउड अर्न करना है अगेन. तो ये जर्नी में बहुत डिफिकल्टीज होती है कई. अगला सवाल वही था, चैलेंजेस क्या है? हाँ, कई रातें मैं रोती हूँ अकेले. मेरी दी अवेलेबल रहती है ऑनलाइन मिडनाइट कॉल्स पे. मेरा भाई है अनिमेश, वो अवेलेबल रहता है. मैं आधी रात को भी कॉल करूंगी तो दे आर हियर. तो कुछ यू नो एक प्रीशियस जेम्स है मेरी लाइफ में. मैं अगर कुछ का नाम नहीं लूँ तो वो बहुत जेन्युइनली गलत है. तो बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, तो वो सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं. जब भी आई फील फ्रस्ट्रेटेड ना, आई कॉल. मैं कॉल करती हूँ, मैं बात करती हूँ. मेरे कई ऑनलाइन ऐसे फ्रेंड्स है जो जिनसे मैं रियलिटी लाइफ में कभी मिली नहीं हूँ, बट हमारा कनेक्शन ऐसे कि हम लोग शायद बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. तो वो जो कनेक्शन है ना, वो बिल्ड करते करते काफी कुछ सीखा है, काफी सारी लर्निंग्स रही. पीहू बेक्स मेरा एक शो चलता था ऑनलाइन, फेसबुक पे बेकिंग शो चलता था. वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी लोगों को मैंने एक्सप्लोर किया. अब मेरे पेज पे वो फिर से आ रहा है विद द न्यू कॉन्टेस्ट एंड एवरीथिंग. सो ये जो जर्नी है इसमें चैलेंजेस सबसे बड़ी सोसाइटी है और कुछ भी नहीं है. अगर आप इग्नोर कर रहे हो ना तो एवरीथिंग इज इजी. अगर आप एकदम पकड़ के बैठोगे ना कि नहीं इसने मुझे ऐसा बोल दिया. मेरे जो नेबर्स हैं
दे आर नॉट हैप्पी आई एम लिविंग हियर. मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, बॉयज आते हैं, तो सबकी एक मेंटालिटी, एक क्राइटेरिया है, बंदा आ रहा है तो बंदी गलत ही होगी. बट आई एम प्राउड टू से कि ऐसा नहीं होता है. सोसाइटी के क्राइटेरिया से अपने आपको बाहर निकाल के देखो तो यू हैव अमेजिंग थिंग्स टू एक्सप्लोर इवन. तो चैलेंजेस आर इजी अगर आप एक्सपीरियंस कर लो तो. एक्सपीरियंस अगर एक बार हो गया ना तो एवरीथिंग इज इजी. बट यहाँ लेकिन अगर आप उसको रिग्रेट करोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि जर्नी आप कंप्लीट कर पाओगे. तो मैंने एक्सेप्टेंस लाया मेरे अंदर. मेरी मॉम जो बोलती है मैं सुनती हूँ. झगड़ा होता है, बहुत होता है. पापा सपोर्ट करते हैं. आज भी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा रहती है बिकॉज बिजनेस से आप कभी तुरंत ना यू नो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. टफ टाइम्स आते हैं. यस. तो आज भी ऐसा ही होता है कि मैं कई बार रेंट में स्टक होती हूँ. पापा पे करते हैं मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. पापा और दीदी मिलकर पे करते हैं. दे सपोर्ट मी इनटू द फाइनेंसेस एज वेल. तो जर्नी में सपोर्टर्स का होना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये जो लोग हैं इनको होल्ड करके रखना. मेरी मैम है जो मेरी मेंटर है, डॉक्टर शुभा मिश्रा. मुझे पूरी लाइफ में ना वो एक रिग्रेट रहता है कि मेरे को कोई मेंटर नहीं मिला था लाइफ में. तो वो जब मेरी लाइफ में आई ना, आई एक्चुअली गॉट अ पाथ कि कहाँ जाना है. पहले आई वॉज क्लूलेस ना कि मुझे करना क्या है. इट वॉज अ ट्रेजेंट ऑफ लाइफ. तो मुझे वो क्लू मिल गया. नाउ शी इज स्टिल सपोर्टिंग मी. कल भी मुझे उन्होंने फाइनेंसिस को लेके डांटा कि फाइनेंसिस मैनेज कर. आप खुद को कितना डांटती हो? मैं खुद की ना गलती एक्सेप्ट कर लेती हूँ. मैं गलती एक्सेप्ट नहीं, मैं खुद को खुद पे नाराज होती हूँ. डू यू गेट एंग्री नाउ सर? बहुत ज्यादा. मैं लोगों से बहुत जल्दी अटैच्ड होती हूँ. मुझे मेरा नेगेटिव पॉइंट लगता है. आई एम अ वेरी इमोशनल. नो नो नो, आई एम आस्किंग दैट यू नो व्हेन यू नो दैट यू फेस दीस फाइनेंशियल इश्यूज है ना, एंड घर वालों को रेंट भरना पड़ता है, घर वालों को लाइट का बिल भरना पड़ता है, तो खुद पे नाराजगी होती है बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. बट मुझे पता है कि ये कुछ टाइम है. शायद मैं उनसे जितना ले रही हूँ, मैं जानती हूँ वो सपोर्ट में उनको किसी भी वे में रिटर्न नहीं कर सकती. बट वैल्यू ऑफ अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो यस, मैं अपने आप को उतना बिल्ड करना चाहती हूँ कि अगर पापा एक दिन में 1,00,000 रुपए मांगते तो बिना रीजन के आई कैन गिव हिम. मुझे बस वो लेवल पे जाना है एंड आई वॉन्ट टू बी दैट. क्योंकि काफी यू नो मेरे ड्रीम्स जो है वो सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे जो सपोर्टर्स हैं, मेरी जो फैमिली है, मेरे जो लोग हैं, उन लोगों ने मिलके वो बिल्ड करवाया है मेरे साथ में. तो काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो सपोर्टिव हैं, सिलेक्टेड हैं बट प्रीशियस हैं. तो ये जो सपोर्ट ने मिलके जो ड्रीम्स बिल्ड किए हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि मैं एक लेवल पे पहुंचूं एंड दे शुड सी मी कि यस शी इज माई फ्रेंड. तो मुझे वो प्राउड लेकर आना है. तो बस ये जर्नी का पार्ट समझ के आई एम कीपिंग इट. एंड मैं ट्राई कर रही हूँ, हर रोज स्ट्रगल करती हूँ, रोज ब्रांडिंग के लिए ट्राई करती हूँ, न्यू ऑप्शंस करती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ. एवरीथिंग टेक इन्वेस्टमेंट बट आई गिव माय बेस्ट. आपका जो किचन है उसमें सबसे अच्छी चीज क्या मिलती है? किचन में सबसे अच्छी चीज तो मेरे चॉकलेट केक्स हैं, ब्राउनीज हैं. ब्राउनीज आर वेरी डिलीशियस, लाइक डेफिनेटली आई विल गिव यू ट्रीट. तो ब्राउनीज आर वेरी डिलीशियस. तो बहुत सारा ऐसे मेन्यू है जो प्रीशियस एंड सिलेक्टेड है. हेल्दी केक्स हैं, मिलेट केक्स हैं, मिलेट ब्राउनीज हैं. देन फिर ओकेजनली मैं मूस केक के जार्स बनाती हूँ. जार डेजर्ट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, वाइन चॉकलेट्स हैं, रम बॉल्स हैं, ट्रफल्स हैं. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो मैं सर्व करती हूँ लोगों को. एंड यू नो आर यू ऑन Zomato, आर यू ऑन स्विगी? हाउ कैन समबडी ऑर्डर? यस. सो आप लोग पहले तो बी आर बेकर्स का पेज अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. एंड इवन मेरे बायो में भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप मेरी प्रोफाइल चेक करते हैं तो. एंड बाकी Zomato और स्विगी पे भी अकाउंट है, आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं. एवरी ऑर्डर इज ओनली अवेलेबल ऑन द प्री ऑर्डर. सो प्लीज प्ले योर ऑर्डर्स ऑन. व्हेन यू से प्री ऑर्डर यू मीन अ डे बिफोर? अ डे बिफोर और विद इन अ डे भी आई कैन सर्व. लाइक मॉर्निंग ऑर्डर तो इवनिंग में मैं सर्व कर सकती हूँ. एंड उसमें आप यू नो यू मेक ऑल टाइप्स ऑफ केक्स? योर केक्स आर वेज और नॉन वेज? वेज केक्स, प्योर वेज केक्स. प्योर वेज केक्स, ओके. जिसमें ग्लूटेन फ्री, वीगन केक, होल व्हीट, शुगर फ्री, सारी वैरायटी ऑफ केक्स अवेलेबल होते हैं. ओके. कहाँ तक जाना है? मतलब कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाना है लाइफ में? बस लाइफ कहीं रुके नहीं, वहां तक जाना है. मैं मेरा लाइफ में बहुत बड़ा ड्रीम है कि वर्ल्ड में अगर कोई किसी को जानता है कि बेकिंग मेंटर कोई है तो दे शुड नो पीहू राजमलानी बेकिंग मेंटर है जिससे बेकिंग वर्ल्ड बिलोंग करता है. वो लेवल तक जाना है. पीपल शुड नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रगल. वहां तक जाना है. इलॉन मस्क के साथ बैठकर एक बार मेरे हाथ की बनाई कॉफी पीनी है. तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स है जो अचीव करने हैं. वर्ल्ड टूर करना है. एंड नंबर ऑफ ड्रीम्स है. मेरी बकेट लिस्ट बहुत लॉन्ग है.
जिंदगी की एक जिंदगी बहुत लंबी है ना, तो हमारे सबके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं. आपका एक थॉट मैं जानना चाहता हूँ ऑन यू जस्ट सेड दैट यू नो यू हैप्पी सिंगल एंड यू वांट टू बी सिंगल. या योर मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर जिनको ऐसा लगता है कि उनकी बेटी 22, 23 इयर्स की हुई तो उसके लिए अब यू नो लड़का देखना जरूरी है और 25, 26 साल की हो गई तो अब शादी करना जरूरी है. Very true. तो उनको यू वांट टू टेल देम समथिंग, अ पीस ऑफ माइंड. यस प्लीज. मैं बस यही चाहूंगी, सी गलतियां तो शादी के बाद भी हो सकती हैं, शादी के पहले भी हो सकती हैं. कई लोग होंगे जो फ्रीडम का गलत वो इस्तेमाल बोलते हैं या गलत डायरेक्शन में जाना पॉसिबिलिटी है, बट गलतियों से ही तो इंसान सीखता है. गलती करना इंपॉर्टेंट है, फेलियर्स टीच यू अलॉट. तो मैं चाहूंगी फ्रीडम, भले ठीक है मेरा जितना फ्रीडम है वो मैंने अर्न किया मेरी फैमिली सिचुएशन के हिसाब से है, बट आई थिंक एटलीस्ट यू कैन अलाउ योर गर्ल टू गो ऑन द 12 PM का शो. शी कैन बी सेफ इफ शी इज फीलिंग सिक्योर फ्रॉम द फैमिली. अगर फैमिली सिक्योर फील कर रही तो वो नेचुरली सोसाइटी में सेफ है. मैं रात को 12 बजे बाबी शो देखने गई थी, बाबी मूवी जो आई थी, अकेले गई थी. आई एम प्राउड ऑन दैट पार्ट. मैं ऐसी काफी सारी एक्टिविटीज खुद के साथ करती रहती हूँ, एंड ये सारी जो चीजें ना ये वर्ल्ड की एक्चुअल रियलिटी आपको दिखाती है. मैं जब गई थी तब आई स्टिल रिमेम्बर हार्डली 5 to 8 गर्ल्स मुझे वहां पे दिखी थी, रेस्ट ऑफ ऑल वर बॉयज. आई वॉज फीलिंग सिक्योर बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑन माई सेल्फ कि मैं मैनेज कर लूंगी. और रात को कुछ हुआ भी तो मैं भाई को या पापा को कॉल कर लूंगी ना कोई तो हेल्प कर ही देगा. बिल्कुल. देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन. गाड़ी खराब हो गई तो ऑप्शन है कैब से आने का. कैब नहीं मिली तो ऑटो अवेलेबल होता है, ऑटो नहीं है तो मेट्रो अवेलेबल है. कोई फ्रेंड मिल जाएगा, कोई स्ट्रेंजर मिल जाएगा जो हेल्प करेगा. तो ऑप्शन बहुत सारे हैं. आप ना स्टार्टिंग से हम लोगों की एक प्रॉब्लम है कि हम ना गर्ल्स को ऑलरेडी इनसिक्योर, आप इनसिक्योरिटीज हैं, सारी चीजें गलत हो सकती हैं, आपका एक रिलेशनशिप आपको बर्बाद कर सकता है, आपका कोई यू नो एक्स्ट्रा अफेयर है तो वो आपको डिसअपॉइंटेड कर सकता है, आपकी लाइफ में चीजें वैसे नहीं चल सकती. बट ये सब सिर्फ लेसन्स हैं, सिर्फ लेसन्स हैं. लाइफ के चैप्टर के छोटे छोटे यू नो पैराग्राफ्स होते हैं, बस ये वो पैराग्राफ्स हैं. मेरी लाइफ की कई लाइन्स हैं जो मैं भूल चुकी हूँ अभी तक, और कई सारे चैप्टर्स हैं जो मुझे एकदम याद है पॉइंट टू पॉइंट कि कब क्या हुआ था कैसे हुआ था. बट अगेन ये सब सी फ्रीडम में मैंने भी गलतियां की. ऐसा नहीं कि मैंने गलतियां नहीं की, आई एम वेरी प्राउड ऑन दिस पार्ट. मैंने गलतियां की हैं, बट वो गलतियों ने ही सिखाया है. मेजरली स्ट्रांग वो गलतियों ने ही बनाया है. जब मैं मुझे आज भी याद है जब 2018 में ब्रेकअप हुआ था, आई कमिटेड सुसाइड. उसके बाद में 4th को बहुत बैड न्यूज मुझे मिली थी. मतलब नॉट बैड न्यूज बट एक पार्ट सामने आया था कि मुझे वो एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज हुई. देन अगेन मैंने उससे निकलने के लिए आई थिंक 4 to 5 months लिए. 4 to 5 months आई वॉज लाइक आई वॉज नॉट टॉकिंग विद एनी वन. दैट वॉज द लेसन. मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी टू बिकम दिस जो मैं आज हूँ. मैं शायद उतना बेस्ट वर्जन नहीं हूँ, बट येस मैं प्रीवियस से बेस्ट हूँ, आई कैन से दैट. सो ये जो फ्रीडम था, ये जो लेसन था ना, ये सब ने मुझे स्ट्रांग बनाया है. आज कुछ चीजें चली जाती हैं, वो यू नो अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं ना, आई एक्सेप्ट दैट. वो मेरे स्ट्रगल ने मुझे बनाया. तो सेम आई वांट टू गिव द मैसेज टू ईच एंड एवरी पेरेंट. बच्चों को एटलीस्ट ट्राई करने दो. ठीक है आप उनके हिसाब से रिजल्ट्स पे मत आओ, उनके हिसाब से डिसीजन मत लो, लेकिन एटलीस्ट गिव देम अ ट्राई. अगर वो ट्यूशन क्लासेस अकेले जाना चाहते हैं जाने दीजिए. वो रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं प्लीज करने दीजिए. जस्ट एक्सप्लेन फ्रॉम योर एंड कि फिजिकल रिलेशनशिप्स आर नॉट गुड नाउ डेज, कुछ भी हो सकता है. उनको आप पॉसिबिलिटी समझा दीजिए ना, डिसीजन वो लेना सीख जाएंगे. वो गलतियां ज्यादा सिखाएंगी रदर देन आपके रेस्ट्रिक्शंस उनको कहीं ना कहीं यू नो लिमिटलेस बनने पे मजबूर करेंगे. आजकल के बच्चे नहीं सुनना चाहते, तो वो लिमिटलेस बनने में मजबूर होने से बेटर है कि अलाउ देम टू ग्रो. वो कैसे होना चाहते वो उनके ऊपर है. आप अपना रोल प्ले कर लीजिए, आप उनको थोड़ा फ्रीडम दीजिए, लेट देम एक्सप्लोर. इट्स अ राइट और रॉन्ग, लेट देम डिसाइड. करना है नहीं करना है उन्हें डिसाइड करने दे. बिकॉज एंड ऑफ द वही टिपिकल हमारा डायलॉग होता है, मेरी जनरेशन का यही डायलॉग की हमारी लाइफ में वी आर 18+, वी आर इंडिपेंडेंट. हम 18+ होके इंडिपेंडेंट नहीं होते. हम हमारी गलतियों से, हमारे लाइफ लेसन से इंडिपेंडेंट होते हैं. आज अगर किसी भी 18 ईयर को छोड़ देना पेरेंट, जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, खाना अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, घर में किसी के रहना बहुत डिफिकल्ट है, 4 दिन घर से बाहर रहना बहुत डिफिकल्ट है. बट यही स्ट्रगल में अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आप घर से बाहर निकले हो, दे आर सेंडिंग यू अमाउंट, दे आर रिस्पेक्टिंग यू, ये मैसेज स्पेशली जितने भी स्टूडेंट लाइफ है यंग वंस उनके लिए है. ये जो पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो फ्री में नहीं कर रहे हैं.
वो आपके लिए हर रोज हसल कर रहे हैं, तो वो हसल की रिस्पेक्ट करते हुए टेक द डिसीजन। तो ये परस्पेक्टिव दोनों के लिए, दोनों भी क्राइटेरिया रॉन्ग हो सकते हैं, पेरेंट भी और स्टूडेंट भी। तो जस्ट मेच्योरली आप चीजों को अंडरस्टैंड करके शायद वो कर सकते हो। पीरियड्स कैन बी अ कॉमन टॉपिक फॉर फादर एज वेल। मेरे घर पे मेरे पापा को मेरे पीरियड्स के बारे में पहले पता होता है रदर देन यू नो मेरी मॉम। मैं घर से बाहर रहती हूँ तो नेचुरली उनको पहले पता होता है। तो ये सब छोटे छोटे क्राइटेरिया से जो आप ब्रेक करके ना सोसाइटी को एक्सपांड कर सकते हो एंड यू कैन गिव देम अ चांस टू ट्राई। सुपर, मुझे तो यू नो आपका थॉट प्रोसेस अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है यू विल बी अ ग्रेट मदर, है ना? सुपर। अच्छा माय लास्ट क्वेश्चन, या सो अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, यू नो पीहू और पूर्णिमा, या हैप्पी विद पीहू, सो पीहू राजमलानी ये नाम लिखा गया, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट, कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए you know, जिससे पढ़ने के बाद लोग आपको याद करें? A quote of your life. A quote of life. Secret ingredient is love. अब मेरा ये जो typical है ना, मैं जब bad mood में खाना बनाती हूँ, it goes sometimes bad, a disaster. But when I make it with a whole passion and dedication, वो बहुत next level बनता है. Why my papa appreciate me? Because मैं वो उतने dedication के साथ बनाती हूँ. तो you know same with the relationship. अगर relationship में you are putting your love, any relationship, your mother daughter का हो, आपके पापा के साथ आपका connection हो, भाई बहन का हो, relationship हो, if you are putting a love into that, it can make you more strong. Lessons wrong हो सकते हैं but learnings नहीं. So keep your ingredients on with the love. तो always put that part, क्योंकि love is the, अभी कई बार experience होता है, जैसे मेरा first experience रहा कि relationship and बहुत disaster level पे हुआ, but again वो मेरे लिए precious part था, मैंने बहुत time invest किया है, वो मेरा decision था उसके साथ रहना, मुझे पहले से मालूम थी सारी चीजें। हाँ स्ट्रगल था ऑफकोर्स, वो जर्नी बिल्कुल इजी नहीं थी, आज 4 साल हो गए हमें दूर हुए, बट स्टिल आई लव हिम, आई मिस हिम, आई एम प्राउड टू से दैट पार्ट, बट मैं कॉल नहीं करती हूँ। तो वो जो चीजें है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है कि ठीक है आज नहीं, इग्नोर कर लिया ना, आज नहीं किया, इट्स ओके, स्टिल आई हैव लव फॉर माई सेल्फ। सो लव इज अ सीक्रेट रेसिपी। यस, सीक्रेट ingredient of life. Yes. I think I love your quote, and so do I love your personality. You are an amazing girl, and I'm sure you'll reach all heights of life. Thank you. And अगर मुझे जीवन में मौका मिला Elon Musk का interview लेने का, तो I will tell him personally कि you know you should have a cup of coffee with Pihu Rajmalani. It'll you know it also has a secret ingredient of life, which is love. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरजे टू द प्लेटफॉर्म एंड ईच एंड एवरी ब्रांड हु आर कनेक्टेड एंड ऑल ऑडियंस, थैंक यू फॉर ऑल लव एंड लेसन्स। जो है शायद किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होंगे, बट एक बार डोंट केयर अबाउट पॉइंट ऑफ व्यू से देख इज वर्थ लिसनिंग। आपने अपना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। सुपर पीहू राजमलानी मेरी यू नो आज की गेस्ट ऑन राज की बात। समटाइम्स इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स ऑफ लाइफ, विच इज हमारी सोसाइटी। अब लोग इस बात को क्यों नहीं समझते कि जैसे ही एक बेटी का जन्म होता है, सबसे पहली चीज घर वाले कहते हैं कि बेटी हुई है। उनमें वो उत्साह ही नहीं होता, उनमें उसमें खुशी नहीं होती, और इस बात का उत्साह ही नहीं होता कि बेटी हुई है। बेटे जब होते हैं तब लड्डू वड्डू बटते हैं एकदम से खुशियां, नॉट एवरीबॉडी बट अ फ्यू पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि पीहू राजमलानी जैसी बेटियां जब होती है ना, तो परिवारों को गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये लड़कियां जब समाज में आती हैं तो समाज के पर्सपेक्टिव को बदलने के लिए वो अपनी जिंदगी एक बहुत बेमिसाल तरीके से जीती हैं, जिससे समाज की मानसिकता को बदलने के लिए ये कोशिश करती हैं। और जब ये बदलाव आता है तो उसके लिए ऐसी लड़कियों को हमें धन्यवाद करना चाहिए। आपसे फिर होगी मुलाकात दिन रात की बात, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और आप अगर आपके परिवार में छोटी सी बिटिया है जो आपका हाथ पकड़ कर चलती है, जो आपसे बहुत सारी जिंदगी के मूल मंत्र सीखती है, उसको इंटरव्यू जरूर दिखाइएगा।
हो सकता है ये इंटरव्यू देखने के बाद वो बड़े होकर बहुत जल्द शादी करने के बारे में ना सोचे, लेकिन क्या लड़कियों को हम जन्म ही इसलिए देते हैं कि वो बड़े होकर शादी करें पहले, या फिर अपने सपनों को जिए और अपने सपनों को साकार करें? जितना अधिकार एक लड़के को होता है अपनी जिंदगी जीने का, जिस तरीके से वो जीना चाहता है, उतना ही अधिकार एक लड़की को भी है। लेकिन हम इस सोच को खुद नहीं बदलते और फिर सोचते हैं कि हमारा समाज एक अच्छी सोच नहीं रखता। बदलाव का पहला शब्द है बदल, खुद बदल। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ऐसी बच्चियों को ऐसे शोज दिखाएं, बिकॉज हो सकता है कि बड़े होके पीहू राजमलानी बने और आपका सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो। जिंदा रहें, जय हिंद।